मेरा नाम नथुराम नागर है। मैं राणा प्रताप बाग वार्ड नंबर 117 से दो बार निगम पार्षद रहा हूँ। पहली बार मैं 97 में पहला इलेक्शन लड़ा था, 5000 मतों से जीत के आया। दूसरी बार मैं 2002 के अंदर दोबारा चुन के आया। जनता ने मुझे इतना प्यार इतना समर्थन दिया, उसकी वजह ये थी जो मैंने 5 साल में विकास किया, दोबारा मुझे जनता ने चुना और भारी मतों से 17,500 वोटों से मैं दोबारा जीत के आया। और मैंने इतना विकास किया अपने क्षेत्र में, राणा प्रताप बाग में लोग ये कहते थे बरसात के दिनों में यहाँ किश्तियाँ चलती हैं, पर प्रताप बाग के अंदर इतने मैं 10 साल रहा, बिल्कुल भी कोई पानी नहीं भरने दिया, इतना विकास करा, आज तक जनता उस काम के लिए याद करती है। हमारा गांव चंद्रावल है, कमना नगर के साथ है, कमना नगर जवाहर नगर, वहाँ पे पैदा हुए। हमारा परिवार एक जमींदार किसान परिवार है, जहाँ हम पैदा हुए वहाँ से ही हमने कमना नगर प्राइमरी स्कूल में पढ़े, उसके बाद हम बिरला स्कूल में पढ़े, हाई सेकेंडरी पास करके वहाँ से फिर अपने बिजनेस में लग गए। फिर 80 में टाइटलर साहब से लिंक हो गया, पहला इलेक्शन लड़े थे टाइटलर साहब, उनके साथ लग के फिर पॉलिटिक्स में कदम रखा। शरारती तो खैर हमने इतनी नहीं करी, उस टाइम तो यही था स्कूल जाना है, आके परिवार के साथ काम करना है, शरारते करने का टाइम ही नहीं मिलता था। एक चीज़ मुझे ज़रूर याद है, 1972 में मैंने राजदूत मोटरसाइकिल ली अपने पिताजी से, बड़ी मुश्किल से, कह के हमें वो दिन याद है, कितनी सिफारिश कराई, ताऊ जी से कराई, दादाजी से कराई कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। उस टाइम इतना जरिया भी नहीं था, 72 के अंदर 3500 रुपये की मोटरसाइकिल आती थी राजदूत। जब मेरे फादर ने सब का दबाव दिया, परिवार ने जब मोटरसाइकिल हमें मिली थी, उस टाइम हमारे परिवार में एक एम्बेसडर गाड़ी थी, 2-3 मोटरसाइकिलें थी। वहाँ से आगे हमने अपना बिजनेस संभाला, काम किए, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पोती का नाम है मन्नत नागर, पोते का नाम है रुद्रास नागर, दोनों स्कूल में हैं, जीडी गोयनका में पढ़ते हैं। दोनों का स्वभाव बढ़िया है, पोता हमारा दादा से सबसे झगड़ते रहते हैं। मेरे फादर का नाम श्री राम नागर था, बिल्कुल याद आती है आज, जो देन है पिताजी की देन है और माताजी की देन है, उनका ही दिया हुआ कह रहे हैं आज हम। हमारे पिताजी गुस्से वाले जरूर थे, प्यार भी करते थे, पर वो फालतू चीज़ों पे इधर उधर घूमने पे किसी के साथ, उन चीज़ों से वो नाराज रहते थे। हमारे पूरे परिवार में हमारे ताऊ चाचा 5 भाई थे, जिनमें जो भी हमारे फादर ने कह दिया सारे भाई उनके मानते थे और सारे उनके कहने पर चलते थे। वही नेचर हमारी माताजी का था, सरस्वती नागर उनका नाम था। इतना प्यार और जो कुछ परिवार ने दिया है मैं उसे कभी भुला नहीं सकता। मेरी धर्मपत्नी का नाम संतोष नागर है। धर्मपत्नी जी हमारी बहुत बढ़िया थी, 1974 को 1 फरवरी को मेरी शादी हुई थी,
यूपी से मेरी शादी हुई थी। बहुत बढ़िया परिवार है। रामचंद्र विकल जी जो सांसद रहे हैं वो हमारे ससुर हैं, सचिया ससुर हैं, उनके परिवार से मेरी शादी हुई थी। वो इस टाइम रही नहीं है, पर मैं तो ये कहता हूँ भगवान ऐसी धर्मपत्नी सबको दे। पॉलिटिक्स में लाने वाली असली वो जो वो है, क्यों उन्होंने कभी अपने चेहरे पे शिकन नहीं देखी। चाहे हमारे घर पे 10 आदमी आ जाएं, 20 आ जाएं, 50 आ जाएं, 100-100 आदमियों के लिए चाय बनानी, नाश्ता करना, उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं। ना उन्होंने कभी ये कहा घर में नौकर नहीं है, आज नौकर नहीं आया, मुझे बना के देना है या नहीं देना। सबसे पहले हर चीज़ 2 मिनट में तैयार मिलती थी। ना कभी उन्होंने ये कहा रात को हम 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, या इलाके में कोई झगड़ा हो गया, फ़ोन आ गया, आप मत जाओ इस टाइम। नहीं, कभी नहीं रोका उन्होंने। मेरे बेटे का नाम कपिल नागर है। कॉलेज पूरा करके वो मेरे साथ पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं। कमना नगर से उन्होंने कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी लड़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से NSUI का भी लड़ा था। आज वो मेरे साथ ही हैं, बिजनेस भी करते हैं और पॉलिटिक्स में मेरे साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ा सपोर्ट तो भाई भगवान है। हम तो भगवान को मानते हैं, भगवान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, कुदरत के आगे कोई बड़ा नहीं है। पॉलिटिक्स में मैं भाई जगदीश टाइटलर जी के साथ 80 में पहली बार उन्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला था लोकसभा का, यहाँ से सदर से। 80 में हम उनके साथ जुड़े थे, पार्टी का काम करते थे, मीटिंगें कराते थे। 93 में उन्होंने मेरे से वादा करा कि नागर साहब आपको टिकट देंगे, आप इलेक्शन लड़ोगे। बाई चांस किसी कारण टिकट नहीं मिल पाया, फिर 97 में उन्होंने मुझे टिकट दिया। उनकी वजह से मैं 2 बार कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, जीता भी, भारी मतों से जीता, क्षेत्र में विकास किया, भाई टाइटलर के साथ मिल के किया। बल्कि वो तो मेरे से ये कहते थे तू कॉरपोरेशन में इतना बजट नहीं है, काम कैसे करता है, कहाँ से लाता है। मन के जी तरीके हैं, कुछ आपसे ले लिया और किसी MP से फंड ले लिया, इधर उधर से करके सारा कुछ करके क्षेत्र में हमने इतना विकास करा, ये भी हमने टाइटलर साहब से सीखा। जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ, चाहे प्रताप बाग है, गुजरावाड़ा टाउन है, संगम पार्क, वाल्मीकि कॉलोनी है, लाल बाग एक बहुत बड़ा हमारा झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर एरिया है, जिसमें आज तक मेरे बाद कोई विकास नहीं हुआ। बारात घर बनाए हमने, सुलभ शौचालय बनाए, बच्चों के लिए सिलाई केंद्र खुलवाए, जितना हमने विकास करा 10 साल के अंदर, आज तक किसी ने उस क्षेत्र में कोई विकास करके नहीं दिया। दिल्ली के अंदर आपने रामलीला होती हैं, रामलीला की इतनी बड़ी स्टेज है और पक्की छत डाल के आज तक वो स्टेज बनी हुई है। दिल्ली के अंदर शायद आपको कोई ऐसी रामलीला की स्टेज नहीं मिलेगी जैसे हमने लाल बाग में बना के दी है। और जितना काम हमने उस टाइम, अब तो RMC आ गई, उस टाइम हमने चाहे 2 फुट की गली है, 4 फुट की है, 5 फुट की है, पूरे झुग्गी क्लस्टर एरिए में, खाली लाल बाग का नहीं कह रहा मैं, लाल बाग के साथ रेलवे लाइन के साथ कौशलपुरी भी है, चौकी नंबर 4 भी है, संगम पार्क भी है, कवि नगर है, ओम नगर धोबी घाट है, किशोर नगर है, पूरा इलाका हमने खरंजे ख़त्म करके CC डाल डाल के आज तक वो CC चल रही हैं। ना गंदगी होती, उस टाइम क्या हालत थी, हमें कीचड़ में जाना पड़ता था,
खरंजे लगाते थे, खरंजे लोग बाग उखाड़ लेते थे, नालियाँ नहीं थी, नालियाँ बनवाई, सीवर लाइन नहीं थी, सीवर लाइनें डलवाई, पीने का पानी नहीं था, जीटी रोड से ले जाके हमने लाइनें डाली पूरे क्षेत्र में। जब से नथुराम नागर जी यहाँ के चेयरमैन बने तब से यहाँ की बहुत डेवलपमेंट हुई, अंदर की सड़कें वगैरह, ये पार्क नथु साहब ने ही बनवाया था। उसके बाद जब से ये नहीं है तब से कोई मेंटेन भी नहीं हुआ ये पार्क। जब से मैं नथु नागर जी से मिला हूँ आज मेरे वो भाइयों से बढ़ गए हैं, जो मैं देख रहा हूँ 35 साल से, एक मालवा टैक्सी स्टैंड है पार्क और ये पार्क, क्या खूबसूरती, पार्क में क्या मेंटेन किया है, इनके जाने के बाद कोई कर नहीं सका। हमें चाहिए ऐसा ही नेता। नथुराम नागर जी कैसे शख्स ने जेड़े हर किसी के दुख सुख हर वक्त खड़े ने, इन्होंने किसी नु नहीं पूछा कौन सी पार्टी से है, वो आप कहाँ रहते हो, क्या है क्या नहीं है, कोई बराड़ी दब भी आ गया करिया क्या फर्क पड़ता है। जो भी कोई काम हुआ, कभी भी कोई भी समस्या समाज की आई या जो है कोई प्रताप बाग की आई, मैंने कभी कोई अपना पर्सनल तो वो था नहीं, हम भी सोशल थोड़ा करते रहे, तो उन्होंने हमेशा हेल्प की, तो नथु नागर भाई साहब ने। तो आज भी हम यही चाहते हैं कि भाई साहब फिर से अपना जो है यहाँ पे आना शुरू करें, हम फिर उनके लिए कुछ करें जिससे कि वो आगे बढ़ वापस आए। नथु नागर जी जो हमारे अंकल हैं, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा कि बचपन से मेरे पे तो विशेष आशीर्वाद रहा ही रहा, और यहाँ मेरे ख्याल से 300-350 पहलवान रहते हैं, उन पे सब पे इनका विशेष आशीर्वाद रहा है अंकल का। और हमारे जो गुरु हैं पद्मश्री महावली सतपाल जी, कोच्छा अशोक जी हैं, उनकी और हमारे जो नथु नागर अंकल हैं उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, और वो हमेशा से ही हेल्पफुल रहे हैं। जब भी किसी भी बच्चे का कोई भी मेडल हमारे अखाड़े से आता हो या मेरा कभी ओलंपिक में मेडल आया, उन्होंने बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद दिया हमें, चाहे वो पैसे से हो या किसी की चीज़ से सपोर्ट करने में हो। तो मैं अंकल का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। सुबह सुबह यहाँ हमारी ट्रेनिंग देखने भी आते हैं और हमें मोटिवेशन भी करते हैं वो। कई साल की बात हो गई, हम भी छोटे ही थे जब ओलंपिक में भी मेडल नहीं आया था मेरा, 2008 से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार पता नहीं किन्हीं कारणों से हमारे अखाड़े को यहाँ क्लोज कर दिया था, तो एक या दो महीने हमें अपने ही एक ऑफिस पे मेरे ख्याल से 70-80 पहलवानों को अपने पास रख के, अपने ऑफिस पे रख के उनको कि आप यहाँ रुकिए, स्टेडियम में ट्रेनिंग कीजिए। तो बहुत बड़ी बात है, और मैं मानता हूँ कि ऐसे जो शख्सियत होते हैं वो एक भगवान का ही रूप होते हैं। नव दुर्गा हमारी एसोसिएशन है, तकरीबन हमें आज 20 साल से ऊपर हो गए, हम उसको चला रहे हैं, हमारी कमेटी है। हर साल हम कम से कम 15 लड़की हो जाएं, 10 हो जाएं, 8 भी रह जाएं, ज़्यादा भी हो जाएं, हम पूरा जो एक बेटी को शादी के लिए सामान चाहिए ना, पलंग से लेके बिस्तर तक, सिलाई मशीन तक, ड्रेसिंग टेबल तक, हर चीज़ देते हैं जो एक बेटी को घर के लिए चाहिए। हम करते हैं उनकी, जिनके परिवार में विडो लेडीज है, जिनका सहारा नहीं है या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनकी गुंजाइश नहीं है अपनी बेटी की शादी करने की, हम 2 महीने पहले फार्म निकालते हैं, फार्म भरते हैं, फिर इंक्वायरी कराते हैं वाकई में ये सही हैं या कोई हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हमें 20 साल हो गए ये काम करते हुए, बड़ा आनंद आता है। बाकायदा ये नहीं, हम हिंदू बच्चों के, माउंटेंस के भी करते हैं, निकाह कराने वाले अलग होते हैं हमारे वहाँ, पंडित अलग होते हैं, और उस दिन दुर्गा माता का जागरण भी करते हैं हम, और खाना भी करते हैं। सुबह 5:30-6 बजे हम उठते हैं, पहले हम जाते हैं छत्रसाल स्टेडियम,
सैर करते हैं, योगा करते हैं, उसके बाद 9 बजे अपने घर आते हैं। घर आके पब्लिक का रूटीन जो काम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी का कुछ काम है, 11-12 बजे तक हम जनता की सेवा करते हैं। उसके बाद नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर मॉडल टाउन फर्स्ट पे मेरा ऑफिस है, शाम को 6 बजे तक वहाँ बैठते हैं। या इलाके में कोई काम है, इलाके में जाते हैं, किसी की कोई शिकायत है, SHO से मिलना है, वहाँ जाते हैं, शाम को 6 बजे तक ऑफिस, उसके बाद अपने घर। भगवान में पूरी आस्था है, डेली पूजा करते हैं, साल में 2-3 बार तीर्थ यात्रा भी करते हैं। अब सावन है, अब सावन में हर साल मुझे आज 35 साल हो गए काठमांडू जाते हुए। माँ वैष्णो देवी पे भी साल में 1-2 बार जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, सालासर भी जाते हैं, जितना अपने से होता है उतना भगवान के नाम का भी करते हैं। आगे भगवान मौका देंगे, जरूर इलेक्शन लड़ेंगे, फिर जनता के बीच में जाएंगे, सेवा करेंगे। आज भी हमारी जनता इंतज़ार कर रही है, भाई साहब किसी तरह आएं, दोबारा से हमारे बीच में मौका दें, पार्टी मौका देगी, हम जरूर जनता के बीच में जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। नहीं, रोल मॉडल जो हमारे रहे, पहले टाइटलर साहब थे, अब सिब्बल साहब हैं, अजय माखन जी भी हैं, काफ़ी हैं। शीला जी के साथ मेरा परिचय 88 में जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनी थी, जब से मेरा उनका परिचय है, बहुत बढ़िया हमारा उनका प्यार रहा है। ये नहीं वो CM बन गई या अध्यक्ष बन गई, हमारा उनका शुरू से प्यार है। नेचर उनका बहुत बढ़िया था, काम उन्होंने दिल्ली के अंदर, आज भी जो हम चल रहे हैं, असली बूझो शीला जी की देन है। गेम, कॉमन गेम करा के ले गई, थोड़े से दिनों में जितने फ्लाई ओवर आज, शायद ये फ्लाई ओवर ना होते दिल्ली में आप पैदल भी नहीं निकल सकते थे। और खूब शीला जी पे लोगों ने एप्लीकेशन लगाए, काम करने वाले पे एप्लीकेशन भी लगते हैं, अपना काम करे जाओ, एप्लीकेशन लगाने वालों का काम है एप्लीकेशन लगाएंगे। शीला जी के जाने का बहुत नुकसान है, शीला जी के काम हमेशा याद रहेंगे, शीला जी भी याद रहेंगे, काफ़ी नुकसान है शीला जी के जाने से। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, बहुत बढ़िया हैं, ये तो हर पार्टी का हम भी होते, हर एक कोई एप्लीकेशन लगाता है, पर मुझे नहीं लगता जो पार्टियां एप्लीकेशन लगाती हैं आज तक वो साबित भी कर पाएंगी। हर पार्टी, हर एक कोई अपने को ऊंचा दिखाने के लिए एक दूसरे पे कीचड़ तो उछालते हैं, पर मुझे नहीं लगता राहुल गांधी पे कोई दाग हो, राहुल गांधी से बढ़िया कोई नेता हो। सोनिया गांधी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हमारी अध्यक्ष रही हैं, आप लोगों ने भी देखा है जब वो अध्यक्ष थी, राजीव जी के बाद उन्होंने एकदम ही त्याग कर दिया था पॉलिटिक्स से। काफ़ी समय के बाद हम लोगों ने 1 हफ्ता उनकी कोठी के बाहर धरना दिया, जब उनको घर से निकाला और जो उन्होंने अपने टाइम में पूर्ण बहुमत से जीत के आने के बाद भी कुर्सी का लालच ना करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, एक बार नहीं 2-2 बार बनाया। सोनिया जी की तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। मैं तो यही कहूँगा यंग बच्चे जो भी यूथ के हैं हमारे, ज़्यादातर अपने काम पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे, जो पढ़ाई के हैं बच्चे अपनी पढ़ाई पे, गलत सोसाइटी में गलत चीज़ों में ना पढ़ें, आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। मैं तो यही कहूँगा उनका भविष्य बहुत लंबा है, गलत चीज़ों में ना पढ़ के अपने बिजनेस में जो है बिजनेस करें, जो पढ़ाई में अपनी पढ़ाई करें, अच्छे काम करें।
मैं कपिल नागर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट हूँ दिल्ली, और मैं श्री नथुराम नागर जी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी मेरे लाइफ टाइम हीरो हैं, उनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली है। उनका हर एक अनुभव मेरे को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन को यहाँ तक लेके आए हैं, एक जमींदार परिवार से, किसान परिवार से हम लोग आज दिल्ली के इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि लोगों में मेरे पिताजी को एक जननायक के रूप में जाना जाता है। माँ बाप सबको अच्छे लगते हैं, पर मैं चाहता हूँ मेरे जैसे पिताजी सबको मिले। उन्होंने मेरे को समय समय पर डांटा भी है, गुस्सा भी किया है, पर मेरे को प्यार भी बहुत ज़्यादा किया है। उनकी डांट से उनका एक मकसद होता था कि हम एक अच्छी सोसाइटी में रहें और एक अच्छे इंसान के रूप में अच्छी ह्यूमैनिटी दिखाएं और अच्छे लोगों के लिए काम करें, गरीबों की मदद करें। मैं उनसे रोज़ एक नई सीख लेता हूँ, और उनका अगर मैं 5% 10% भी आउटपुट अगर दे पाऊँगा तो मैं अपने आप को बहुत लायक समझूंगा। पापा के मन में तो, और नेचर भी ऐसा ही है सभी की, गरीबों के लिए तो बहुत ही काम करते हैं, सेवा करते हैं हर टाइम। रात को भी कोई आ जाए, जब भी खड़े हो जाएंगे, सुबह मॉर्निंग में कभी भी गरीबों की सबसे पहले सुनते हैं। एज अ फैमिली पापा सबके बहुत क्लोज हैं, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। ऐसा कभी नहीं जाता कि पापा कभी घर में खाली हाथ आते हो, हमेशा अपने हाथ भरे लेके आते हैं। चाहे हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, सेपरेट रहते थे, हमेशा अगर उन्हें पता चल जाए किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले पूछना, बार बार फ़ोन करना, हर चीज़ में टचिंग है। और बाय नेचर मैं अपने फादर को कहूँगी दानवीन करण। पापा सबके साथ एज अ फ्रेंडली, मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े हो जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड हो जाते हैं। और हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं फादर हैं तो कभी नहीं फादर से ये नहीं कहना या वो नहीं कहना, हमेशा उन्होंने एक फ्रेंड की तरह हमें ट्रीट किया है बचपन से लेके आज तक। मुझे अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं अपने पापा, मतलब मेरे ससुर। उन्होंने कभी भी बेटियों पर बहुओं में फ़र्क ही नहीं किया, मुझे लगा ही नहीं कि मेरे ससुराल है। अपनी मम्मा को भी जाके बोलती हूँ आपसे अच्छे तो मेरी सास है। मुझे कुछ कहती तो नहीं है। एक्चुअली मैं पढ़ने में अच्छी थी तो मैंने घर पे भी कुछ काम नहीं किया था अपने पे, तो मुझे यहाँ भी कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरी सास ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा इसको ये नहीं आता वो नहीं आता किसी भी चीज़ के लिए, ओके बेटा ठीक है मैं बताती हूँ कैसे करना है। ससुर जी तो उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर कभी किसी एक चीज़ के लिए बोला तो 10 चीज़ ला के देते हैं, कभी कुछ नहीं कहा। चाहे कभी देर से उठ जाऊँ बाई चांस आँख नहीं खुली, ऐसे कभी कुछ नहीं कहा कि भाई बहू है तो घर जल्दी उठ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं, आना जाना है कहीं बता के चले जाओ, ओके पापा मुझे जाना, ओके यू कैन गो।